क्या डील होगी, मुझे डील होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिस्टम की जो इस वक्त बका है वो इमरान खान को अंदर रखने में है। ये पिछले एक दो दिन में पैगाम भेजे गए, तो जब उन्होंने साफियों से बात की, अपनी फैमिली से बात की, तो उन्होंने उस वकील कहा कि अगर मैं डील करनी होती, मैं डेढ़ साल पहले डील कर लेता। बात ठीक है कि जब जब एहतजाज की कॉल होती है तभी अड्याला खुलता है, तभी सुबह 7 बजे आप किसी वक्त कोई जाता है तभी पैगाम रसानी होती है। अगर इमरान खान चुप करके बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो छोड़ेंगे भी नहीं। मुझे तो इस सवाल पे इतराज है, शहबाज शरीफ एक ही है, ऐसा कोई भी ये पूरी दुनिया में आपको तो दूसरा शहबाज शरीफ नहीं मिलेगा। पर यार वो पिछू ऑर्डर आंदा, ये बंदा आएगा, इसके साथ इंटरव्यू कर लेना और हम कर लेते हैं। हमें 8,000 क्राइम हुए हैं काशिफ साहब, और 4 अरब रुपया इस्लामाबाद के शहरियों से लूटा गया। 24 को इस्लामाबाद इमरान खान ने एक तरफ 24 नवंबर की कार दे दी है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की टांगे कांप रही हैं और वो इमरान खान से डील करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। रशा रोज अली अमीन गंडा दो दिन से मुसलसल अडियाला जेल इमरान खान से मिलने के लिए जा रहे हैं और अडियाला जेल का दरवाजा सुबह 7 बजे ही खुल जाता है। इमरान खान के साथ क्या बातचीत हुई, अदर काजमी ने लाइव शो में हैरान होने की शफात कर दी। आइए पहले मुकम्मल वीडियो देखते हैं, फिर इस बात तफसील से बात करते हैं। उस तरह का मुजाहिरा आप किसी वक्त एग्जैक्ट कोई जाता है तभी पैगाम रसानी होती है। अगर बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि हुकूमत इस ये इंप्रेशन ही क्रिएट कर रही है कि जब तक आपको इस तरह का काम नहीं करेंगे हम आपसे मुजाकरात ही नहीं करेंगे। लेकिन ना पिछले दिनों सारी क्यादत मिलने गई अडियाला जेल के बाहर, उनको गिरफ्तार कर लिया और अचानक पता चला कि दफा 144 लगा दी थी इसलिए गिरफ्तार हो गए, तो जब प्रेशर आया तो दरवाजा खुल गया और अली अमीन साहब दो दफा गए। दूसरा जो मोहसिन नकवी साहब का आप कह रहे थे कि जो इंतजामिया का रवैया है, कल रात को जो हमने इस्लामाबाद में पुलिस की रैली देखी कि पुलिस नारे लगाती हुई जनाब शारा दस्तूर के पास उधर डी चौक के पास वो एक रैली निकाल रहे हैं, क्या माजी में हमने कोई ऐसा देखा? फिर पुलिस अफसरान के इंटरव्यू और पुलिस अफसरान के क्लिप्स वायरल हुए हैं कि जितने मर्जी लोग आ जाए हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। भाई ये आपका काम तो नहीं। मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू था, मैं देखा, मैं फोन किया, बल्कि हम तो ये डीआईजी इस्लामाबाद थे शायद, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा किसी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं कहा सर हमारे पास भी आ जाए, हम भी बात करना चाहते हैं, आखिर क्या क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे, तो उनका उनको इजाजत नहीं मिल रही अभी तक। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि यार वो पिछू ऑर्डर आंदा, ये बंदा आएगा, इसके साथ इंटरव्यू कर लेना और हम कर लेते हैं। मतलब ये देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना कि पुलिस देखें सबकी पुलिस है, ये कौमी इदारे हैं, पीटीवी से जिस किस्म की ट्वीट की गई, जिसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये वो सारी चीजें जो आलमी सतह के ऊपर भी लोग देखते हैं। और इस्लामाबाद में आप देख लें कि डॉन की पिछले माह की खबर थी कि पहले 9 माह में 8,000 क्राइम हुए हैं काशिफ साहब, और 4 अरब रुपया इस्लामाबाद के शहरियों से लूटा गया, ये डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया, डकैतियों में और चोरियों में। और पुलिस को आप देख लें जनाब, वो जुलूस निकाल रही है, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरफ हम चीजें तो ठीक है ना। देखें आप इतना जम्मे कफीर अगर आने दें इस्लामाबाद में तो फिर तो मुसीबत पै जाएगी ना, तो कहते हैं भाई हमारी प्रायरिटी बड़ी क्लियर है, हमारा प्रायरिटी यही है कि इनको नहीं आने दें। वो ना अब दूसरे जो आपने बात की डील की, देखें मुजाकरा हाँ या ना डील होगी, होती है कि नहीं, डील तो नहीं होगी लेकिन मुजाकरात हर हालत में हो रहे हैं जी। अली अमीन साहब को बाकायदा पैगाम दिया गया, खान साहब को भी जाके वो बाकायदा पैगाम हुआ और खान साहब ने आगे से कुछ शरायत उनको बताई। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी बातचीत नहीं हो रही तो वो कोई ऐसी बात नहीं, क्या डील होगी, मुझे डील होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिस्टम की जो इस वक्त बका है वो इमरान खान को अंदर रखने में है। डील का मतलब है कि सिस्टम को रोल करना, रोल बैक करना, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वसीम मदामी साहब आपको होता नजर आ रहा है कोई डील, कोई बाप मामला आता है होना, कोई इस तरह का कैन डू यू सी समथिंग? होता नजर नहीं आ रहा, हालांकि मेरा ख्याल है कि होना चाहिए जिसमें दोनों एक दूसरे को कोई एग्जिट का रास्ता दें। यह बात ठीक है कि जब इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ाते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, फिर स्ट्रेट फायर करते हैं, ना मिले के बातें करते हैं, जब कहते हैं रोड पर आऊंगा तो फिर यहां से भी फिर ज्यादा लिफ्ट कराई जाती है। लेकिन फिर खान साहब को यह भी सोचना है कि मैंने ये कह के प्रेशर बढ़ा के क्या करना है, अल्टीमेटली किसी सोल्यूशन पर पहुंचना है ना, तो उसमें देर इज अ पॉइंट आपने डिसाइड करना होता है कि हाँ अब मैं अपना प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाकर अब सामने वाले को टेबल पर ले आऊं, अब यहां से कोई डील निकालो, चलो डील का बुरा लगता है तो कुछ और खेलो, कोई रास्ता नहीं। लेकिन अभी तक आपने इतना प्रेशर देखा है मेरा ख्याल, क्योंकि देखिए मियां नवाज शरीफ से कंपैरिजन कर लेते हैं वसीम, इसका मियां साहब साल सवा साल डेढ़ साल जेल में रहे, मेरा ख्याल है उधर ही एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला करने बहुत हो गया है, मियां साहब लंदन चले जाएं, मामला तय हो गए, इतना प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पर एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से बात करना ही नहीं चाहती, बिकॉज अगर इफ ही कम्स आउट दैट मीन्स प्रोबेबली सिस्टम ही गिर जाएगा और खान कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दैट्स देयर अदर प्रॉब्लम कि वो खान को ट्रस्ट कौन करेगा। सो आपको लगता है कि दोनों अगर मुवाजना करें तो खान का बाहर आना, ये जब तक बहुत ही को हालात ना हो जाए खराब, नहीं आ सकते इमरान खान साहब। आप ठीक कह रहे हैं, यहां पर एक अजीब सिचुएशन में ये बन गई है कि वो पॉपुलैरिटी जो उनका एसेट है और होना चाहिए वो ही एक तरीके से लायबिलिटी बन गई है कि पता है कि आप ये कर गए तो फिर वहां जाके उन्होंने एवन फील्ड में जाके बैठ नहीं जाना है। मैं ये कह रहा हूं इसमें कि इसमें कोई ना कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अगर खान साहब को भी ऑफर करने पड़ते हैं तो करने देने चाहिए। अगर सिस्टम को भी कोई गारंटी चाहिए कि भाई ठीक है हम एक हद से आगे नहीं जाएंगे, एक हद से ज्यादा क्या होगा, तो वो गारंटी देनी चाहिए। अब जाहिर उसकी अपनी डिटेल्स हैं कि कैसे दूसरा फरीक पहले फरीक की बात यकीन करेगा, और पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, इतने गारंटर्स आते हैं, इंटरनेशनल भी आते हैं, नेशनल भी आते हैं, लेकिन वरना एक चॉइस तो खान साहब का ये कि बस ठीक है सड़कों पर आए, प्रेशर बढ़ाते जाए, ये डंडे बढ़ाते जाए, ये कब तक चलेगा इस तरीके से। सो इसलिए
पे मेरा ख्याल है कि अगर दूसरी साइड से भी ये इंटरेस्ट शो किया जाता है कि भाईजान आप कम से कम ये चीजों पे मेहरबानी करें तो फिर हम कुछ रास्ता निकालते हैं, तो वो गारंटी यहां से भी दे दी जानी चाहिए अगर कोई रास्ता निकालना है, अगर ये तनाव की कैफियत को खत्म करना है। वो बात शायद खान साहब के पॉपुलर नैरेटिव कोट अनकोट से बिल्कुल मुताबिकत ना रखती हो, लेकिन प्रैक्टिकल हल मेरा ख्याल है ऐसी किसी सूरत में है। जुबैर साहब, इमरान खान साहब से जब ये पिछले एक दो दिन में पैगाम भेजे गए तो जब उन्होंने साफियों से बात की, अपनी फैमिली से ही बात की, तो उन्होंने उस वक्त ही कहा कि अगर मैंने डील करनी होती मैं डेढ़ साल पहले डील कर लेता, सवा साल पहले कर लेता। चलो उस वक्त डील की ऑफर नहीं थी, बीच में ऐसे टाइम आते हैं कि कहा जाता है पाकिस्तान छोड़ दें, आप खामोश हो जाएं, बनीगाला चले जाएं, साल डेढ़ साल दो साल कुछ ना करें। बहरहाल ही इज वेरी क्लियर, एटलीस्ट अब तक कोई CBM नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, आई विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम माई पोजिशन। आपको लगता है इस पोजिशन के साथ आगे क्या, आगे उनको कोई रास्ता निकल सकता है पॉलिटिकल? तो अगर इमरान खान चुप करके बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो छोड़ेंगे भी नहीं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि लेट्स बी ऑनेस्ट कि आर्मी चीफ की कल की स्टेटमेंट कराची में बिजनेसमैन को उन्होंने खिताब किया और जाहिर है वो न्यूज़ बाहर भी आई, उनका जो रिफ्लेक्शन है, उनकी जो थिंकिंग है, वो उनके लिए ये जो प्रेजेंट सिस्टम है, प्रेजेंट रूलिंग पार्टीज हैं, PMLN लेड गवर्नमेंट है, यही पाकिस्तान का बेहतरीन सोल्यूशन है। उन्होंने कहा कि जो पिछले साल तक बात करते थे डिफॉल्ट की और जो बात करते थे कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ख़राब है और सियासी माहौल ख़राब है और कुछ बेहतरी नहीं आ सकती, उनको अब उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनके नजर में इमरान खान इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज फार एज पाकिस्तान फ्यूचर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज कंसर्न। तो अगर वो समझते हैं, जो कि समझते हैं मेरी नजर में, कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम है, तो वो उनको नहीं फैसिलिटेट करेंगे, ये मेरा ख्याल है बेसिक। लेकिन आपको याद होगा कांटे तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नामों पर भी लग गए थे, वो कांटे मिटे ना आखिर जाके, कांटे लगे थे ना, तो काटे फिर मरियम नवाज ने क्या कहा था कि पावर टॉक्स पावर कि पावर आप शो करेंगे तो वो नेगोशिएटिंग पे बंदर, उसने कहा था ना, दूसरा एक और भी कहा था पावर, उसने कहा था मजामत होगी तो मफामत होगी। वैर साहब, इलेक्शन से पहले ही आपको याद होगा कैबिनेट डिस्कस हो रही थी, फिर 2019 एक्सटेंशन का जब वोट आया है, 19 में एक्सटेंशन का जब वोट आया है, तो उस वक्त कहा गया अभी पंजाब ले लें बाद में मरखे, वो तो क्या मुझे लगता है कोविड ने इमरान खान की हुकूमत को साल डेढ़ साल के लिए बचा लिया, बिकॉज कोविड ऐसा आया उस वक्त कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर उस, मतलब मुझे लगता है हुकूमत शायद जल्दी गिरा दी जाती अगर ये कोरोना और कोविड ना आता, तो कोई शहबाज शरीफ है तरीके से? देखिए मुझे तो इस सवाल पे इतराज है, शहबाज शरीफ एक ही है, ऐसा कोई भी ये पूरी दुनिया में आपको दूसरा शहबाज शरीफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की सियासत तो छोड़ दें, मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने वजारत उज़्मा अपनी चलाई है और जिस तरीके से उन्होंने सारे इत्तेहादियों को अकोमोडेट किया है, मोहसिन नकवी से लेके फैसल वाडा तक सारे लोगों को आप देख लें कि वो उनके साथ भी चलते हैं, उन पर वो तनकीद भी करते हैं, फिर भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही, तो शहबाज देयर इज नो शहबाज शरीफ इन किसी भी और जमात में शहबाज शरीफ नहीं है। अच्छा, जहां तक ये ताल्लुक है कि अभी इस मसले का हल क्या है, देखिए हल इसका बुनियादी सा हल है, लोगों को पसंद नहीं आता, हल तभी निकलेगा कि जब आप आईन और कानून के ऊपर जाए, वो तो नहीं होना ना, नहीं, वो ही ना। हल इस तरह बता रहे हैं जब सारों को पता है आईन और कानून पे चलना चाहिए, लेकिन ये मुल्क 77 साल से आईन और कानून पे नहीं चल, तो जब तक तो फिर हल निकला भाई, हर मिलिट्री डिक्टेटर आके कहता आईन क्या यार, किताब ही है ना, कोई फर्क बनना, तो एग्जैक्टली यही, तो फिर क्या 76 बरस बाद हम वहां पे खड़े हुए कि जहां पे कोई हल हमें नजर आ रहा है? साल पहले कहा गया कि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, मुसद्दिक मलिक ने अरबों डॉलर की मट्टी बेच दी, मादनियात के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अरबों डॉलर की तो वो बिकेगी, मादनियात बिकेंगी, 3 दिन में सड़क पे सही चला नहीं कि क्या पता नीचे कोई मादनियात कीमती खराब ना हो जाए, तो मसला ये कि इस तरह की बातों से तो मुल्क ठीक नहीं होते ना, हमें फैसला करना पड़ेगा। ये देखे ना, फिर अब आप लोग अगर सड़कों पे चलते हुए भी मादनियात ढूंढते रहेंगे तो फिर मुल्क कैसे आगे चलेगा? जब आपका वजीर कहेगा कि मट्टी हम अरबों डॉलर की बेचेंगे तो लोग तो इसी तरह सोचेंगे। तो आपने सोचा आपके लॉन की मट्टी नहीं भाई, वो सिर्फ केपीके वाली मट्टी है जो सड़कों की बेचेंगे, बात करते हैं मतलब ये कि बदामी साहब खुद जो है 3-4 दिन इन्होंने वहां पे भी देखा, बदामी साहब तो सब बात पहुंच गए, उन्होंने कहा शायद इधर वो मट्टी, किधर है वो मट्टी जो अरबों डॉलर की बिकेगी, तो ये मजाक हमने मुल्क को बनाया हुआ है। संजीदगी से सोचने की जरूरत है, इन्हीं लोगों ने सोचना है कि जो 50 बरस कबल बुजुर्गों ने आईन दिया था वो किसी वजह से दिया था, आप उसमें अमल नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं किस वजह से दिया था, किस वजह से, ताकि उसको बार बार तोड़ा जा सके, तो अजीब सही आदमी है यार, कहते हैं कायम दिया क्यों था, इसीलिए दिया था, रोज तोड़े इसको। और इसका हल सिर्फ वही है, अब वो अगेन फिर एक बड़ी एकेडमिक सी बात लगती है और आजकल के अलावा प्रैक्टिकल बात लगती है कि भाई जहां पर अगर ये सारे स्टेक होल्डर देखे कदम पीछे हट के बैठे हैं, और ये 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 इवेंट नहीं होगा कोई काशिफ भाई कि जिसके नतीजे में जनाब सिविल सुप्रीमेसी बहाल हो जाएगी, ये एक प्रोसेस होगा और बहुत सारे मराहल आएंगे इसमें, सियासतदान आज मुझे फायदा है तो मैं किसी की गाड़ी में बैठ के आपको मार रहा हूं, कल आपको फायदा आप उसकी गाड़ी में बैठ के मुझे मारते हैं, तो गाड़ी एक ही रहेगी, कभी मैं पिट रहूंगा कभी आप पिट रहोगे, अब ये चॉइस है सियासतदानों की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा ख्याल है इस सब के बावजूद जो कुछ हो रहा है खान साहब को उनकी पार्टी के अगेंस्ट, उसमें से किसी भी चीज को जस्टिफाई किए बगैर मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि प्लेयर्स यही है, बात यहीं से निकलनी है, दूसरी साइड पर क्या सेंटीमेंट है, जुबैर साहब राइटली पॉइंटेड आउट, अगर गवर्नमेंट लिप सर्विस के लिए बेशक कह रही है कि अच्छा हम बात करने
के लिए तैयार है। तो मेरा ये ख्याल है एक ना एक वो चैनल खुला रखना चाहिए खान साहब को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए। अगर कोई एक कदम पीछे बैठना पड़ता है जो कि बहुत पॉपुलर कदम ना भी हो तो भी उठाना चाहिए। असल प्रैक्टिकली मतलब किताबी तौर पर सोल्यूशन वही जो अथर भाई बता रहे हैं, मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली वही है जो खादिम अर्ज कर रहा है कि भाई कोई बात करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ रास्ता शायद कुछ अरसे में निकलना चाहिए। क्विकली 24 को इस्लामाबाद में सब कुछ होगा, थिएटर ऑफ वॉर इस्लामाबाद होगा या पूरा पंजाब थिएटर ऑफ वॉर होगा, जगह जगह ये दमादमा इसके अंदर हो रही होगी। देखिए एक तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो पाकिस्तान के हालात खराब हैं उसमें केपी और बलोचिस्तान को भूलना नहीं चाहिए, वो एडेड डायमेंशन है जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है और बहुत शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है जो वहाँ जो सूरत हाल है। 24 तारीख को बिल्कुल ऐसे ही होगा, मेरा नहीं ख्याल है कि लाहौर से लोगों को निकल के आने दिया जाएगा। जीटी रोड भी बंद होगी, मोटर वे भी बंद होगी, इंटरनेट बंद कर देंगे तो फिर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। सो आई डोंट थिंक सो कि वो उस तरह का मुजाहरा हो सकेगा जिस तरह उसका पीटीआई सोच रही है। मुझे नहीं पता उनकी इंटरनल थिंकिंग क्या है, लेकिन हुकूमत उस हद तक तो मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगी, पकड़ तकड़ भी शुरू हो जाएगी आज की रात से कल दोबारा, और तमाम मामलात जाहिर लाठीचार्ज भी होगा, टीयर गैस शेलिंग भी होगी। लेकिन अगर यहां तक ही रहता है तो बहुत अच्छा होता है, ये ना हो कि पीटीआई इस वक्त ज्यादा जोश ज्यादा जज्बे से, और डोंट फॉरगेट कि गंडापुर साहब की तरफ नजरें होंगी और सब एक्सपेक्ट करेंगे कि पिछली दो दफा की तरफ वो ना बिहेव करें, और अगर वो लेके आ गए और लीड किया तो फिर हालात काफी खराब हो। लेट्स सी इफ व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ हमारा तो नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल है। नाज़रीन आपने मुकम्मल वीडियो देखी, मोहम्मद जुबैर ने बिल्कुल ठीक कहा कि 24 नवंबर को हुकूमत इंटरनेट बंद कर देगी, पंजाब से अवाम को निकलने नहीं दिया जाएगा, सब रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और ऐसी सूरत में इत्तेजाज का कामयाब होना एक नामुमकिन सी बात लगती है। जबकि काशिफ अब्बासी ने कहा कि इत्तेजाज किए बगैर अब अवाम के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए इमरान खान ने कहा है कि इत्तेजाज तो हर सूरत में होगा। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, इस इत्तेजाज के नतीजे में इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी या नहीं? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।